गाइस हम वीडियो शूट करके निकल लिए थे घर से, आपको धूप में हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हम आए हैं पार्लर में और हम क्या करने आए वो आके अंदर जाके बताएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? तो वह सुबह सुबह बच्चे आ गए थे, तो सुबह सुबह मेरी और हो गई तविश की लड़ाई और अभी चल रही है हमारी तगड़ी फाइट। चाय छोड़ के हम करने लगे लड़ाई। भाई ये लेने चला गया ऊपर, आपने देखा था मैंने सारा सामान रख रखा था और मैंने इसको चाबी दे दी ऊपर वाले रूम की। तो मैंने कहा कि सीमा भाई तू खोल दे दरवाजा, इससे खुलेगा नहीं। कह रहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और अब कह रहा मेरी बेइज्जती कर रहे, खुला ही नहीं। बच्चे और पानी की होगी शॉर्टकट। भाई हमारे वो बन रही है, क्या बन रही है? नाली नाली बन रही है गली में, तो पानी बन रहेगा। दो अरे मामी आप तीर मारो ना। ये ये एक ऐसा रावण है जो कि तीर भी अपने आप दे रहा राम कि राम जी भगवान हमें मारो। कैसा लड़का है तू, तीर भी चुप चुप के दे रहा मेरे, मार मुझे मार। भाभी कर रही है रील शूट, भाभी सिखा रही है नंद को। अरे वो खुशी दिखा ला रही है, खुशी ने काय नहीं दिखा। मैं और निशा दीदी कर रहे हैं बहुत सारी वीडियो शूट और बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। और आज मैंने पहना इतना ब्यूटीफुल सा रेड कलर का सूट जो कि आपने पूरा देख ही लिया होगा। और यदि आपको ये वाला सूट मंगाना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाके लिंक मिलेगा, भाई बार बार में मत पूछा करो, इंस्टाग्राम पे मिलेगा। वैसे हम वीडियो शूट करके निकल लिए थे घर से, आपको धूप में हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हम आए हैं पार्लर में और हम क्या करने आए वो आके अंदर जाके बताएंगे। हे माता दी, लड़कियों सारी माता रानियों कैसे हो? जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ क्योंकि बाबू रोएगा फिर, टाइम नहीं इतना ज़्यादा। आ जाओ। बस मैं क्या करने आई हूँ पार्लर में वो आपको मैं अब दिखाना स्टार्ट करूँगी। तो भाई बने रही, अभी खुशी देख रही है अपने हाथ की। खुशी क्या देख रही है? ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये है भारती जो कि मुझे कुछ न्यू लुक देने वाली है, देखते हैं क्या देखते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं पार्लर में एंड मामी को क्या हो रहा है, क्लीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं करवाऊंगी भैया, आज एक शूट है तो देखते हैं कैसी लुक देते हैं। मुझे तो उससे पहले क्लीन कर रहे हैं फेस को और जैसा भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। सब हो चुका है, आईज मेकअप स्टार्ट, अभी मामी कुछ कैसे लग रहे गाइस अभी कुछ समझ नहीं आएगा गाइस, स्टार्ट करना है। हंसी हो रहा है हम गाइस को देख के। तो भाई ये अब आईज मेकअप कंप्लीट होने वाला है ना, थोड़ा सा ही बचा है। तो फिर अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब हमारा थोड़ा और थोड़ा सा कुछ यूनिक चेंज आएगा। आप गैस करना इतने कि कौन सा लुक हो रहा है गाइस। अब मामी को लग रही है लिपस्टिक। ब्रांड आपसे नहीं बोला जाएगा। एक्साइटेड हो गाइस? मैं भी। एंड गाइस अब गेस करो, अब तो आपको थोड़ा आने लगा होगा फील कि मामी क्या बन रही है। मामी मामी नहीं घर पे ही आके करके जाए तो मामी मैं कैसे लग रहा है? मेरी भी ताकत नहीं रहती ना, व्रत है ना मेरा उस दिन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी तो। तो गाइस फाइनली मैं बता ही देती हूँ आपको, मैं करवा रही हूँ माता रानी। नहीं बता यार। तो मैं करवा रही हूँ माता रानी की लुक, तो अभी देखते हैं कैसे क्या 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 करते हैं हम। थोड़ा बहुत जो भी हमें अच्छा लगेगा, पर नवरात्रि चल रहे तो माता रानी की थोड़ा बहुत लुक करना बनता था, तो इसलिए मेरा मन किया कि थोड़ा बहुत मैं कर लूँ। गाइस आप देख सकते हो भाई साहब
मामी एक बार वही वाली एक्टिंग करना चाह रहे थे। अभी काफी चीजें बढ़ती है। ओके बाय। बताओ इधर देखो मामी एक बार इधर देखो बसा। एक बार देखो तो भाई साहब। एंड रेड बिल्कुल साड़ी पहन लिया नीचे से लेकर ऊपर तक। एंड देखो गाइस लुक। अब मेरे को तो मन क्या कर रहा है, क्या साड़ी दूसरी पहन लूं, मेरे को साड़ी कम पसंद आ रही है। हाँ अरे मैंने कैसे दसो भाग्यवती वो लिख रहा माता रानी का सब आशीर्वाद इतना बड़ा कोई नहीं चल भी रही होगी ना। हाँ अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मामी लगा रही है हाथ में मेहंदी है लक्ष्मी वाली एंड मामी पूरी रेडी है बस मेहंदी और थोड़ी सी ये बैंगल्स वैंगल्स पहनना रह रहा है। तो लुक कैसी आई है गाइस बताना। मामी वीडियो शूट एंड आप देख सकते अच्छा। जब हमारी माता रानी आ चुकी है घर पे एंड अब हम इनका कर रहे हैं स्वागत। देखो मम्मी कर रही है पूजा, स्वागत कर रहे हैं। अब देखो अब हो चुका है स्वागत एंड अब हम ले चुके चलते हैं माता रानी को अंदर। तो भाई मेरी मम्मी ऐसे लेने आई जैसे कि मेरे को जब शादी में लेने आई थी दीसा दीदी भी। तो हम आ चुके हैं घर। तो गाइस प्लीज बताना कमेंट करके मेरी लुक कैसी लगी। दो गाइस यहाँ पे माता रानी छुरी है अपनी माँ के पैर क्योंकि माता रानी की भी तो माँ है भाई। क्योंकि माता रानी की भी माँ होती है तो मैं माता रानी छुरी अपनी माँ जी के पैर कर लिया। मेकअप और पूजा वगैरह कर लिया और घर भी थोड़ा सा मेट दिया क्योंकि काफ़ी सारा फैला पड़ा था। और भाई गोली भी उठ के अपने पापा के साथ जा चुका और यहाँ पे हो रहा है बच्चों का जबरदस्ती। ये है सब पागल बच्चे और ये दोनों लड़कियाँ खेल रही हैं। हेलो केशप्री हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, सारे सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं हूँ भी कह रही है। और ये पता नहीं चारू का चारू क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हो भाई तुम। हेलो हमें बताओ क्या कह रहे हो आप लोग। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे राघवड़े जल्दी बताओ। ऐसी ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते। इतने सोने मुंडे हो के सोने मुंडे सही है ये जिसे भी है। ओ माय गॉड लड़ाई नहीं प्यार से खेलो प्यार से। चलो ये बच्चे कर रहे हैं जब तक मस्ती और मैं बना लेती हूँ अभी प्रसाद। ठीक है हमें क्या बनाना चाहिए प्रसाद में इन्हें कुछ नहीं पता। हो गई है शाम और आपको पता ही है माता रानी बन के मैं गई थी थक और भाई ऐसे ऐसे मेकअप उतारा है मैंने बहुत बुरी तरह। और भाई अब बना लिया हमने खाना वगैरह और आज हमने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। और मम्मी और निशा गई थी शॉपिंग पे और दिखाती हूँ क्या लेकर आई है। निशा दीदी कह रही है अभी सामान तो दिखाएंगे नहीं हम लेकिन मम्मी और निशा दीदी को कल सार कलेक्शन बहुत बहुत अच्छी लगी तो आज फिर से पहुँच गए और 10,000 की शॉपिंग के साथ बेडशीट फ्री थी। मम्मी कह रही चाहे 20,000 की शॉपिंग हो पर फ्री की चीज जरूर लाऊंगी। हाँ एक दुपट्टा बिल्कुल। तो भाई मम्मी लेके आई है अपने बेडशीट और इसके अंदर है बहुत सुंदर सुंदर सूट जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे अभी हम नहीं दिखा सकते भाई। और ये दोनों सासू बहू इतनी चालू है मेरे आने से पहले ही इन्होंने सिरली को घेर दिया। हाँ वैसे निशा दीदी हमने मम्मी को मना किया था अभी वेट करो निशा दीदी आएगी मैं निशा दीदी को दिखाऊंगी। मम्मी कह दे 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 संभाले फिर भाई हमने उसके पास बहुत सारे कपड़े थे और सिलने में टाइम लगता है। हाँ तो सिलने के बाद भी देख लेंगे।
नहीं सर कोई ना, तुमने मेरा पसंद आया तो मैं दे दूंगी, मैं कती नहीं पहनूंगी एक बार भी, चिंता नहीं जी। वो आपके आपकी सास ने आपको शगुन के तौर पे करवा चौथ पे गिफ्ट दिया है, तो मैं भी आपको शगुन के तौर पर दे दूंगी उसको। मैं आपसे कैसे दे लूं? दस हजार, नहीं सर 10,000 रुपए शगुन दूंगी मैं ना, नवरात्रा में ये मम्मी कह रही उसको नहीं देने देगी वो मम्मी ने अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए मुझे वो दिया है, रिश्वत दी है कि वो रिश्वत ले व्रत रख। मैं कहा ठीक है भाई, बढ़िया रिश्वत मिली है तो बढ़िया व्रत रखेंगे, और एक सरप्राइज है आपके लिए, वो आपको आगे पता लगेगा, है ना निशा? सरप्राइज तो भाई धासु ही है, पता नहीं कब मिलेगा। निशा भी एक्साइटेड है देखने के लिए, और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई देखने के लिए। वो मैंने पता है बस, मम्मी को पता है, बस हमें थोड़ा थोड़ा पता है। मतलब अभी तक हमें थोड़ी सी हिंट मिली है, एंड आगे का नहीं पता मम्मी भाई। देख रहे हैं कभी आराम से बैठा है, मैं खाना खा कर लेट गई, परेशान कर देती हूँ, खाना खा कर लेट गई, तुम्हें बस की नहीं रहता। हाँ भाई मम्मी जाती है थक, और मम्मी ने आज बहुत काम किया भाई, बहुत सारा, तो थक गई क्योंकि मेरा शूट था। तो भाई अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, और इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड। और एंड क्यों कर रहे हैं, अभी हम अभी से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उस ब्लॉग को बिल्कुल भी मत मिस करना, जो इससे नेक्स्ट ब्लॉग आएगा नेक्स्ट डे जो आएगा ब्लॉग, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं क्यों शुरू कर रही हूँ इसी में भी ऐड कर सकती थी, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो नेक्स्ट ब्लॉग को जरूर देखना। इस ब्लॉग में बाय करते हैं।